हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरएसआर फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आरएसआर फाइनेंस पे। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भैया ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिससे कि दोस्तों यहाँ पर नई नई लोन की अपडेट सबसे पहले आ जाती है, और जैसे ही आती है लोन की अपडेट जो दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, कोई प्रॉब्लम भी आती है तो हम यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम को भी सोल्व कर देते हैं। भाई, एप्लीकेशन की बात करूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, एप्लीकेशन का नाम है MM, ठीक है। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने का प्रोसेस भी बता देता हूँ, और जितने भी नए यूजर हैं और पुराने यूजर हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सबको बताऊंगा मैं। MM का मतलब होता है मनी इन मंथ, ठीक है, और एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है MM। कभी आपने देखा होगा MM लिखा होगा। देखिए यहाँ पे मैं ऑप्शन बता देता हूँ, दिखा तो रहे हैं ये MM। देखिए यहाँ, अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो M1M, ठीक है, तो एप्लीकेशन को M1M बोलते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो भाई यहाँ पर आपको शुरुआत में जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा 5,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको 5,000 रुपये की ही लिमिट दी जाएगी, उससे ज़्यादा कोई आपको यहाँ पर लिमिट नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ आपको, कैसे अप्लाई करोगे आप। भैया यहाँ पर आपको थोड़ी सी जो है मैनुअल चीज़ें फिल करनी है, जैसे कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपकी सैलरी कितनी है, क्या क्या प्रोसेस है। यहाँ पे जो है आपको मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड फ्रंट, आधार कार्ड बैक एंड योर फोटो, तीन चीज़ें देखो मैनुअली सभी चीज़ें में जो है अपलोड करनी होती है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और योर सेल्फी, ये चीज़ें अपलोड करनी होती है। और यहाँ पे अपलोड करने के बाद जो है प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, पर्सनल, प्रोफेशनल और रिसेंटली। मतलब यहाँ पर्सनल डिटेल डालनी है आपको, और यहाँ प्रोफेशनल मतलब कहाँ जॉब करते हो, कहाँ वर्क करते हो, और यहाँ रिसेंटली एड्रेस जहाँ आप रहते हो। और यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। देखें लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ ही सिटी में ये अवेलेबल है। एक बारी जो इस एप्लीकेशन को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे लिखा होगा अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे देख लेना आपकी सिटी में ये अवेलेबल है या नहीं है। अगर सिटी में अवेलेबल होगा तो ही मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जैसा कि लाल लाल डॉट यहाँ पर देख रहे हो आप, तो इन सिटियों में, इन स्टेटों में अवेलेबल है, तो एक बार अपना स्टेट जरूर चेक कर लेना। भाई स्टेट चेक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ अबाउट दिस एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको देख लेना भाई कौन कौन से सिटी में ये वर्क कर रही है। फिलहाल मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कौन कौन से सिटी में वर्क कर रही है, एंड देखना पड़ेगा मुझे।